दिल्ली में शराब घोटाले की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। सीबीआई ने उन्हें समन भेजा है और कल केजरीवाल को सीबीआई के सवालों का सामना करना है, लेकिन उससे पहले यह समन सियासी संग्राम का सबब बन गया है। अब सरकार अपनी सारी ताकत से अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करेगी। दिल्ली की जनता को ये सुन के कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन किया है, पूछताछ होगी, बहुत राहत मिली है। बीजेपी शुड नॉट यूज दिस एजेंसी फॉर एनी पॉलिटिकल सेटलमेंट। वो तमाम किस्म की जानकारी प्राप्त ना कर ले तब तक वो किसी को समन नहीं करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब कथित शराब घोटाले की जांच के दायरे में आ गए हैं। केजरीवाल को सीबीआई ने नोटिस भेज दिया है, यानी जिस शराब घोटाले में उनके डिप्टी रहे मनीष सिसोदिया जेल की हवा खा रहे हैं, वही घोटाला अब केजरीवाल के लिए मुश्किलों का सबब बन गया है। उन्हें सीबीआई ने समन भेजा है। केजरीवाल को ये नोटिस दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर भेजा गया है। नोटिस के मुताबिक 16 अप्रैल यानी कल सीबीआई दफ्तर में उनसे पूछताछ होगी। दिल्ली सरकार की 2021 की शराब नीति की वजह से पहले मनीष सिसोदिया सीबीआई और ईडी के रडार पर आए और अब केजरीवाल इसकी आंच महसूस कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है इसका अंदाजा पहले ही लग चुका था। मालूम था केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी सरकार पूरी ताकत लगाएगी। हम लोगों को ये मालूम था कि अब सरकार अपनी सारी ताकत से अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करेगी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने रिसोर्सेज केंद्र सरकार के पास हैं, उससे अब वो हमला जो है वो होना तय था। एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक भी रुपए का नकद या कोई प्रॉपर्टी सीबीआई ईडी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। 2021 शराब नीति को संशोधित करने के दौरान इसमें अनियमितता बरतने का आरोप है और बीजेपी उस आरोप के बिना पर ही केजरीवाल सरकार को निशाने पर ले रही है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ने दिल्ली को करप्शन का गढ़ बना दिया है। सीबीआई का समन दिल्ली के लोगों को सुकून देगा। दिल्ली की जनता को ये सुन के कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन किया है, पूछताछ होगी, बहुत राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली की जनता ट्रुथ जानना चाहती है। दिल्ली की जनता घोर आश्चर्य में है कि अरविंद केजरीवाल जो शुरू में आए थे तो कहते थे मैं करप्शन के अगेंस्ट हूं, और आज वही व्यक्ति करप्शन के दलदल में ऐसा घुस चुके हैं कि हर दिन एक नया समाचार आता है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के वक्त ईडी सीबीआई की जांच में यह खुलासा हुआ था कि दिल्ली की नई संशोधित शराब नीति की वजह से सरकारी खजाने को करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसकी तफ्तीश जारी है, लेकिन इस पर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। केजरीवाल को सीबीआई का बुलावा मिलने के बाद कांग्रेस ने न सिर्फ इसका विरोध किया है बल्कि केंद्र सरकार पर सियासी बदले के लिए केंद्रीय एजेंसियों के गैर वाजिब इस्तेमाल का आरोप भी लगाया है। बीजेपी शुड नॉट यूज दिस एजेंसी फॉर एनी पॉलिटिकल सेटलमेंट। आई डोंट नो व्हाई इफ चीफ मिनिस्टर और एनीवन वी शुड नॉट सेटल पॉलिटिकल स्कोर बाय यूजिंग दिस इंस्टीट्यूशन। केंद्रीय एजेंसियों का नाम लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि केजरीवाल के मामले में सरकार के नुमाइंदे मानते हैं कि बगैर कागजात सीबीआई किसी को भी समन नहीं भेजती। आपको कुछ चीजें समझनी है कि एक तो सीबीआई जब तक अपनी तहकीकात, क्योंकि वो पहले आरी जो है वो दर्ज करते हैं, और जब तक उस विषय के संबंध में वो तमाम किस्म की जानकारी प्राप्त ना कर लें तब तक वो किसी को समन नहीं करते हैं। तो उन्होंने अपनी तहकीकात कुछ हद तक पूरी की होगी, कागजात इकट्ठे किए होंगे, चीज़ों की जानकारी प्राप्त की होगी, और तभी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को बुला रहे हैं। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर में होंगे। उनके सामने शराब घोटाले से जुड़े सवालों की लंबी फहरिस्त होगी। मुमकिन है कि ये तफ्तीश देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का हिस्सा हो सकती है, या फिर 2024 की लड़ाई में विपक्ष एकता की और वजह। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।